हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ लैसिक्स टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, जानेंगे इसके यूज़, इसके साइड इफेक्ट, डोज के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, ये है मेरे पास लैसिक्स टैबलेट, जिसमें आपका कंटेंट की बात करता हूँ। इसमें आता है आपका फ्यूरोसिमाइड टैबलेट, जो आता है आपको 40 mg का, और ये आता है आपका सैनोफी कंपनी का, और ये एक एथिकल है जो आपको मिलता है बाजार में। 15 रुपये की स्ट्रिप आती है इसकी, जो है आपकी 8 रुपये की। तो ये आपको आपके नज़दीकी अस्पताल या मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो उपयोग में ले चलते हैं। सबसे पहले तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होता है। जैसे किसी का हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120/80 रहता है, सिस्टोलिक डिस्टोलिक। तो अगर आपका जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसमें यूज़ करवाया जाता है। और सबसे पहले आपको यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। आप इसका उपयोग करते हैं तो अपने डॉक्टर की सहायता से ही इसका उपयोग करिएगा, अदरवाइज इसका यूज मत करिएगा। तो हाई बीपी के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रखा है तो उसके लिए होता है। और किडनी फेल हो रखी है किसी की, जैसे किडनी में दिक्कत आती है, और यूरिनरी रिफ्लेक्स रिटेंशन के लिए होता है। जैसे कभी कभी हमारा क्या होता है कि यूरिन वगैरह पास नहीं होता है, वो इसलिए होता है, कभी कभी मूत्राशय जो होता है पूरी तरह से खाली नहीं होता है, इसलिए जो यूरिन है वो कभी कभी पास नहीं होती है। तो इस वजह से यूरिन वगैरह रुकनी शुरू बंद हो जाती है, रुक जाती है, जिससे हमारी यूरिन पास नहीं होती। तो उसके लिए बहुत अच्छी टैबलेट है यूरिन पास करवाने के लिए। और सूजन हो जाती है, जैसे जिसको मेडिकल जानकारी में, मेडिकल नॉलेज में एडिमा कहा जाता है। एडिमा कई तरीके का होता है, यानी एडिमा आपको ये कहूँगी, आपको स्वेलिंग एक नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में कहूँ, सूजन से हो जाती है। जब शरीर में जैसे आपका जो हम चाहते नहीं है, असामान्य रूप से हमारे शरीर में फ्लूइड वगैरह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा सूजन वगैरह शरीर में, पैर में सूजन, जैसे कभी कभी ऊपर हो जाता तो नीचे पैरों में आ जाता है, जिससे पैरों वगैरह में सूजन आनी शुरू हो जाती है। और यह बेसिकली आपको पैरों में पानी इकट्ठा करने से नहीं हो सकता, यह बीमारी अगर कई तरह के कारण से हो सकता है, जिसको सूजन मिटाने के लिए इसमें यूज़ में करवाया जाता है। और जलोदर में यूज़ होता है, जैसे पेट में पानी वानी भर जाता है, क्योंकि जैसे कभी दूषित पानी जैसे पेट में जमा हो जाता है, जिसके पेट वगैरह में सूजन आनी शुरू हो जाती है, आपके स्टमक वगैरह में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए उस जो गंदा पानी होता है उसको निकालने के लिए, यूरिन के रास्ते से इसको निकालने के लिए इसका यूज़ करवाया जाता है। और ये बेसिकली जलोदर वगैरह लीवर वगैरह में समस्या रहती है, उसके लिए भी यूज़ होता है ये। हार्ट रोग है, किसी का हार्ट से समस्या है, तो उस चीज़ में भी एक पेट में पानी वानी भरने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट में आता है आपका चक्कर आ सकते हैं, मितली वगैरह हो सकती है, एलर्जी वगैरह हो सकती है, डिप्रेशन वगैरह आ सकती है। ये एक आम सी बात है, अगर आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो तुरंत दवाई बंद करिए, अपने डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा। तो मेनली यूज़ है यूरिन के लिए करवाया जाता है, यूरिन पास करने के लिए, क्योंकि यूरिन पास नहीं होगी तो पेट में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यूरिन पास करवाने के लिए पेट में जैसे शरीर वगैरह में गंदा पानी भर जाता है, दूषित पानी भरता है, तो उसको रिफ्लेक्स करने के लिए ये टैबलेट दी जाती है लैसिक्स, जो बहुत अच्छी टैबलेट है। तो डोज की बात है, इसमें डोज तो बेसिकली आपके हर एक बीमारी में अलग अलग डोज होती है। जैसे किसी का हाई बीपी की वजह से यूरिन वगैरह दिक्कत कर रहा है, हाई बीपी की दिक्कत है तो उसमें अलग डोज होती है, किडनी फेल की अलग दिक्कत होती है, किसी का नॉर्मली यूरिन पास नहीं हो रहा तो उसकी अलग डोज हो सकती है। तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही इसके यूज़ करिएगा। बेसिकली डोज इसकी एक टैबलेट होती है, एक या दो टैबलेट आप दिन में इसका ले सकते हैं। तो बस ये है लैसिक्स टैबलेट के बारे में आपके लिए सारी जानकारी, और इस तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों, मिलता है नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।